उमर शाह है। इट्स अ ब्यूटीफुल रनी डे इन इस्लामाबाद। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं ये है टोयोटा एक्वा। सो व्यूअर्स, आपको मैं पता चलूँ कि टोयोटा एक्वा 2011 में लॉन्च की थी और ये एक JDM मॉडल है। जापान में 2011 में लॉन्च हुई और इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है वो 2011 से लेकर 2020 तक मार्केट में आई है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन एक्वा 2021 में मार्केट में लॉन्च हुई। व्यूअर्स, जो फर्स्ट जनरेशन एक्वा है इसके दो फेस लिफ्ट है। इसका जो फर्स्ट फेस लिफ्ट है वो 2016 में आया। ये फर्स्ट फेस लिफ्ट फर्स्ट जनरेशन एक्वा मॉडल है। इसी तरह 2017 में सेकेंड फेस लिफ्ट आया जिसमें इसके कॉस्मेटिक चेंजेस थी, फ्रंट बैक लाइट्स का फर्क था, बम्पर का फर्क था। व्यूअर्स, एक्वा में वाइड रेंज ऑफ मॉडल्स आए हैं। एस पैकेज है, एल पैकेज है, जी पैकेज है, एक्स अर्बन है, एक जी एस स्पोर्ट पैकेज है। इस हर पैकेज में डिफरेंट डिफरेंसेस हैं, लाइक फैब्रिक सीट्स, सॉफ्ट लेदर सीट्स का फर्क है, पुश स्टार्ट का फर्क है, किसी में नॉर्मल की आ जाती है। व्यूअर्स, ये हमारे पास गाड़ी है, ये टोयोटा एक्वा 2016 मॉडल जी पैकेज के साथ आ जाती है जिसमें हमें सॉफ्ट लेदर सीट्स मिल जाती हैं, पुश स्टार्ट है, कीलेस एंट्री है और इसमें इंटीरियर में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। व्यूअर्स, एक्वा जो है ये 1.5 लीटर इंजन के साथ हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। सो व्यूअर्स, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर प्लस मैकेनिकल पावर कंबाइन होके आउटपुट देती हैं। इस गाड़ी की जो हॉर्स पावर है वो 99 है जिसमें 75-76 हॉर्स पावर इसका इंजन प्रोड्यूस करता है। रिमेनिंग इसकी दो बैटरीज लगी हुई हैं बैकअप में जो पावर प्रोड्यूस करती हैं। व्यूअर्स, याद रहे टोयोटा एक्वा है ये जापान में फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी के तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया था। सो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत इंप्रेसिव है। ये आपको इन सिटी 24-25 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है और जो लॉन्ग है लॉन्ग पे इसकी एवरेज ज़रा कम होती है कि स्पेशली जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो आपकी जो बैटरी पावर है वो कम से कम आपको पावर देती है, इनएक्टिव हो जाती है, फिर टोटली आपकी इंजन पावर पे गाड़ी चल रही होती है। सो व्यूअर्स, अगर गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें इसका ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में डैशबोर्ड मिल जाता है। सॉफ्ट लेदर में हमें इसकी सीट्स मिल जाती हैं डार्क ब्राउन कलर में जो खूबसूरत लुक देती हैं। बाकी इसके हमें स्टेयरिंग में मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डिस्प्ले ट्रिप के ऑप्शंस हैं, क्रूज कंट्रोल आ जाता है गाड़ी में, इसमें हीटेड सीट्स हैं। व्यूअर्स, इसमें ऑटो एडजस्टेबल हेडलैम्प्स है, ऑन एंड ऑफ भी ऑटो हेडलैम्प्स की ऑप्शन आपके पास मिल जाती है, ट्रैक्शन है इसमें, कोलिजन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, डिटेक्टेबल इसके मिरर्स हमें मिल जाते हैं। व्यूअर्स, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। याद रहे कि जो जितने भी इसमें वेरिएंट्स हैं एक्वा में जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड है। जिस तरह ये जी पैकेज है तो इसमें और जो एस पैकेज है जो सिंपल होता है जो उसमें डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं आपको जो उसका बेस वेरिएंट है, जो उसकी की है वो आपको नॉर्मल की मिल जाती है, इसमें पुश स्टार्ट की है, कीलेस एंट्री है। मोर ओवर इसमें सॉफ्ट लेदर आ जाता है, उसमें फैब्रिक सीट्स आ जाती हैं। जैपनीज गाड़ी की जो इंसुलेशन होती है वो काफ़ी बेहतर होती है और साउंड प्रूफिंग बहुत बेहतर है इस गाड़ी में। इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी है। फ्यूल एवरेज की हम बात कर चुके हैं, टोयोटा ने इसको डिज़ाइन ही फ्यूल एफिशिएंट कार के तौर पे किया था और ये 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। इसकी एवरेज टोयोटा प्रियस से भी काफ़ी बेहतर है जो कि 1.8 इंजन के साथ आई थी। तो जो इस गाड़ी का ड्रॉबैक है वो मैं समझता हूँ कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है। सो आपको स्पेशली कार ब्रेकर से काफ़ी एहतियात से गुजारना चाहिए कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हो सकता है। व्यूअर्स, जो टोयोटा है वो वेल नोन है अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में और ये अपने कंपटीटर्स को बीट करता है। इसकी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो बहुत एफिशिएंट है और फ्यूल एवरेज में लाइक होंडा में भी आपके पास होंडा क्रेस मिल जाती है, होंडा फिट आई थी, होंडा फिट शटल आई थी। सो जो इसके परफॉर्मेंस फिगर्स जो एवरेज फिगर्स हैं वो अपने कंपटीटर्स से काफ़ी बेहतर हैं। अगर हम इसकी बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो रियर व्यू वाइपर मिल जाता है। जापान की मोस्टली हर गाड़ी में रियर व्यू वाइपर हमें मिलता है जो कि एक अच्छा फीचर है। आप भी एक्वा लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस रेंज 3 million to 4 million के दरमियान है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और आप कौन सा फेसलिफ्ट वेरिएंट ले रहे हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, ग्रिप ऑन व्हील्स और बेल आइकन पे क्लिक करें। आपसे आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।